नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है एसडी विद नीरज सर। इसके पहले दोस्तों हमने जो है संधि का वीडियो बनाया है, तीसरा पार्ट है संधि का, ठीक है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सर जीएस की क्लास चालू करिए, सर साइंस की क्लास चालू करिए। मैं सारी क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, दो तीन चैप्टर हिंदी बचे हैं उनको मैं खत्म कर दूँ, फिर मैं सारी क्लासेस प्रोवाइड करूंगा आपको बारी बारी से। दूसरी बात, जो मैं ये हिंदी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये स्पेशल टीए और वीडियो और टेट सीटेट जितने भी एग्जाम हैं उनमें हिंदी आती है उनके लिए बेस्ट है। एक क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा, मैं बराबर जितने भी वीडियो बनाया हूँ सब में बताया हूँ कि क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। बस आप पढ़िए, थोड़ा दिमाग लगाइए। और कुछ लोग तो भड़काने का काम कर रहे हैं, नीचे कमेंट लिखते हैं, अरे टाइम बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है, मत पढ़ो। तो मैं तो समझ गया वो कौन है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि इतनी अच्छी हिंदी एक तो कोई पढ़ाता भी नहीं है और जो पढ़ाता है उसको भी भड़का रहे हैं। तो कृपया आप किसी के बहकावे मत आइए, आपको पढ़ना है आराम से पढ़िए। या तो मैंने आपसे कहा है कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, भाई बहुत सारे चैनल हैं, आप जो है चैनल को देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा चैनल पढ़िए, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि हमारा चैनल पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ये हमारा वादा है। आइए आगे देखते हैं, आज दो संधियां हम कंप्लीट करेंगे, एक यण और दूसरी अयाद। पहले शॉर्टकट, उस बार भी शॉर्टकट हमने बताया था, इस बार भी शॉर्टकट दोनों को देखो। यण संधि में जितने उदाहरण आएंगे उनमें आधा मात्रा लगेगी, यण संधि की बात मैं कर रहा हूं। यण संधि में जितने उदाहरण आएंगे उसमें आधा मात्रा रहेगी, जैसे हमने कहा अन्वेषण, देखो अन्वेषण आधा मात्रा, ठीक। जैसे हमने कहा अत्याचार आधा मात्रा, तो जिसमें आधा मात्रा है उसको आप यण संधि लगा देना, ठीक, सोचने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें हमने क्या बताया था, एक छोटा सा इसमें भी हमने एक ट्रिक बताई थी, ठीक है, उसको फॉलो करना। ये आप कुछ याद करें ना याद करें, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसको जरूर ध्यान रखना। ये तो बहुत सारा किताबों में बहुत सारा लिखा गया, लेकिन मैं यहाँ पर उतना लिखा हूँ कि आपके लिए सफिशंट हो, ठीक है। अब देखो इसको कैसे पहचानना है कि ये अयाद संधि है। देखो शॉर्टकट, हमने कहा पवन, हमने कहा पावन। अब देखो पवन के बाद कोई मात्रा है यहां पर, बड़ा का नहीं है, तो ये किसमें टूटेगा, ओ की मात्रा में, तोड़ो तो कोधन अन, ठीक। अब देखो भाई इसमें कोई बड़ी मात्रा है ही नहीं, तो हम इसको एक मात्रा में तोड़ेंगे। और इसमें देखो बड़ी बड़ा का मात्रा है, तो इसको हम दो मात्रा लगाएंगे, पोधन अन। यहां पर कोई मात्रा नहीं तो हम एक मात्रा में तोड़ेंगे, यहां पर एक मात्रा है तो हम दो मात्रा में तोड़ेंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं, इसी पे आधारित आपको मिल जाएगी। अगर अयाद संधि का उदाहरण आया तो आपको मिल जाएगा, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगे अब इसको थोड़ा हम डीपली पढ़ते हैं क्या होगा। देखो जहां पर या बड़ा या यू छोटा यू बड़ा यू ये वा वे रा और बड़ा रा इतने शब्द आ जाए वहां पर आप यण संधि लगा देना। हाँ कैसे आप तोड़ेंगे कैसे पहचानेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हमने कहा ई धन आ क्या हो गया या। अब देखो हम एक उदाहरण यहां का लिख रहे हैं अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, ठीक, ये होता है अत्यधिक। अब देखो ये छोटी की मात्रा है, देखो इधर छोटी की मात्रा लगती है और अगर बड़ी की मात्रा होती तो ऐसे होती और इधर को ये छोटी की होगी, तो देखो छोटी ई
और आ, क्या होगा इसको हम मिलाकर पढ़ेंगे, ई और आ को, ई और आ को मिलाकर पढ़ेंगे होगा इ। अब इसको मिलाकर पढ़ो इ, हम या यहां पर लिखेंगे, ठीक। अब देखो छोटी ई की मात्रा है और छोटा आ का मात्रा होगा या, अब हमने लिख दिया या, ठीक। मतलब ये छोटी की मात्रा और आ मिलकर हुआ है या, ठीक। अब ये ता है, मतलब जिस अक्षर पर मात्रा लगी होगी वो आधा बन जाता है। अब देखो जिस पे ये मात्रा लगी है ये कौन सा अक्षर है, ता, तो ये आधा बन जाएगा, ठीक। अब देखो आधा अक्षर हो गया, ठीक। अब इधर क्या है आ, आ, अब देखो ये मिलकर हुआ या, इधर क्या बचा दिक, अत्यधिक। ऐसे ही तोड़ना है हमें और कुछ नहीं है। अब इसका ही ले लो, देखो एक सेकंड, देखो आधी आधी प्लस आयन, अब इसको मिलाना है हमें, तो एक तो आधा मात्रा आ गया, तो ये तो यण संधि है, कंफर्म हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो ई धन आ क्या हो गया, या हमने यहां लिख लिया, ठीक। अब देखो ये किस पर मात्रा लगी है, धा पर, तो ये हमारा जिस पर मात्रा लगी होगी वो बन जाएगा आधा, आधा। इधर क्या है आ, इधर क्या बचा भाई, ये और ये मिलकर छोटी ई और या आ मिलकर ही तो या हुआ था, तो बचा इधर क्या अन, अन अध्ययन। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे हमें तोड़ना है। और देखो आधा आ गया तो क्या हुआ, यण संधि हुआ, ओके। ऐसे ही आपको पहचानना है, ये मैंने इसको एक करके बता दिया, आगे भी देख लो इसको। आगे देखो यद्यपि, ठीक। अब देखो ई आ या और इसमें आधा दा जुड़ा है, ठीक है, तो हो गया यद्यपि। अब बड़ी छोटी ई धन बड़ा आ होता है या, भाई इसको इसको मिलाए थे ई धन या, क्या हुआ या, और ई धन बड़ा का, अब देखो यहां पर छोटा था तो या हुआ, अब बड़ा आ गया तो हो गया या, या, या। अब देखो सेम वैसे ही करना जैसे मैंने इस पे किया है, सेम वैसे इस पे करना। देखो अर्थ प्लस आचार, अब देखो ये छोटी की मात्रा ये बड़ा, तो क्या हुआ या, इसमें मात्रा लगी है ता है, जिस पर मात्रा लगी हो वो आधा हो जाता है, आधा। ये लिखा, अब चार बचा, चार। सब में यही करना है, ओके, सब में सेम ऐसे ही, सेम ऐसे ये भी है। देखो छोटी आ या, अब इस पर मात्रा लगी है ती है ना, ता है, ये आधा ता, ई और प्लस आदि हो गया, ये दी बचा, समझ लो, फिर से समझ लो इसको। देखो इति प्लस आदि, अब देखो छोटी ई प्लस बड़ा आ क्या हो गया या, ठीक। अब इस पर मात्रा लगी तो ये आधा हो गया, ये हम ई कर लिए, बचा क्या दी, खत्म। देन आगे बढ़ते हैं, देखो ई धन छोटा उ यू, ई धन छोटा उ यू और ई धन बड़ा उ तो यू हो जाएगा। अब सेम यही है, सेम जैसे मैंने इसको बनाया वैसे आप इसको बना दो। एक और बार समझा है, बाकी अपने आप समझ लेना। देखो लिखा है ऊपर धन युक्त, अब देखो क्या होगा इसका, ई ये छोटी की मात्रा, धन यू, ठीक। मतलब ये जो है छोटा ओ की इधर लगती है और बड़ा ओ की उधर लगती है, ठीक। तो ये किसकी मात्रा है, इधर को लगी छोटा ओ, तो क्या हो गया यू, ई धन ऊ साथ में मिला के पढ़ो यू, हमने यहां पर लिख दिया
यू, ये हुआ छोटा ऊ। देखो ई धनु होता है यू, छोटा ऊ। अगर यहां पर बड़ा ऊ होता तो आपकी उधर को लगती, यहां पर छोटा ऊ है तो हमारी यात्रा इधर की लगी है। तो ई धन ऊ हुआ यू। आप देखो क्या बचा, उप। ठीक, अब री पर लगा है, ये रा है, अब मैं आधा रा लगाना है इसके ऊपर, आधा रा। क्या बचा, आधा का औता ऊपर यू, सेम ऐसे ही आप समझ लेना। ठीक, समझ लेना, ना है समझ में तो कमेंट करना। इधर उ यू सेम वैसे, देखो छोटी धन बड़ा ऊ का हुआ यू हुआ, तो देखो छोटी ई धन बड़ा ओ हुआ यू, तो हमने यू लिख दिया। अब देखो छोटी पर इस पर मात्रा लगी तो आधा हो जाएगा, ये सेम रहेगा, धन आ गया। बड़ी ई धन बड़ा आ हो गया या, छोटी ई धन बड़ा होता है या, और बड़ी ई धन बड़ा होता है या, सेम। देखो जैसे हमने कहा देवी आगमन, सेम वही है जैसे मैंने यहां बताया है वैसे यहां है, एक मैं समझा दे रहा हूं अपना आगे निकाल लेना। देखो देवी ये बड़ी है, अब बड़ी की प्लस बड़ा आ मिलकर क्या या हो गया। ठीक, अब इस पर भैया मात्रा लगी है बड़ी ई की, तो ये आधा में जाएगा, आधा वा रहेगा, तो देखो आधा वा, और ये दे, ये दे, और ये गमन, ये गमन। ठीक, आ गया हो। बड़ी ई धन ए, बड़ी ई धन बड़ा ए होता है, देखो इसको मिला के पढ़ो, ये सेम वैसे तोड़ लेना। ठीक, उधन आ वा तोड़ लेना। अब देख लो भाई इसको भी तोड़ के मैं दिखा ही दे रहा हूं, देखो इंपॉर्टेंट है ना, ये आता है सुधन आगत, क्या हुआ स्वागत। आप देखो भाई इस पर मात्रा लगी है, देखो क्या हुआ, छोटा ऊ धन आ होगा वा, तो हम वा लगा दिए। देखो छोटा ऊ की मात्रा है तो हम बड़ा है, तो ये वा हो गया, तो हम ये वा लिख दिए, देखो वा। ठीक, अब क्या करना है, अब भाई साबित मात्रा लगी है ना, तो ये आधा हो जाएगा। अभी इधर होता तब पर भी आधा होता, या बड़ी की मात्रा होती तब पर भी आधा है होता, छोटाओ की मात्रा तब पर भी आधा होता, बड़ाओ की मात्रा तब पर भी आधा होगा। तो देखो इसको हम जिसपे मात्रा लगेगी उसको आधा करेंगे, तो इसका आधा स्वा। ठीक, इसको कर लेना। उधन ए, ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आता है अत्याचार, इंपॉर्टेंट है, आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अत्यधिक, बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बराबर एग्जामों में पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना। अब देखो उधन ए, अब इसको मिला के पढ़ना है, वे वे निकल रहा है। ठीक, अब इसमें थोड़ा डिफरेंट है कि वे, अब देखो अनुधन एषण अनुवेषण, अब इसको इसको मिलाएंगे तो वे निकलेगा। ठीक, मतलब बड़ा ए की मात्रा, वही देखो ये है। देखो एक चीज बता दें, जब ये रहेगा तो एक मात्रा रहती है, जब ये आएगा तो दो मात्राएं होती है, तो एक मात्रा है तो इसका मतलब आएगा, एक मात्रा है यहां पर, देखो एक मात्रा है तो इसका मतलब ये आएगा। ठीक, ये ठीक, तो छोटा ऊ धन ए क्या हो गया, वे, ये वे आ गया। ठीक, अब ये अंग ऐसे ही इसमें रहेगा, धन सण इसमें नहीं चेंज होगा, जो मतलब कि छोटी ई की आधा ना हो जाए। ठीक, अब इसमें देखो उधन आ वा, अब देखो वधु धन आगमन, अब इसमें चेंज हो जाएगा, ये सिर्फ इसमें ध्यान रखना है, बाकी सब में जिसमें मात्रा लगी हो आधा कर देना, देखो आधा कर दिया तो दुमन हो गया। अब री धन आ रा, मात धन आज्ञा, अब देखो त्र री लगा, ये री है आधा री प्लस आ, क्या हुआ रा, अब पूरा ता बन जाएगा,
भाई ये देखो, री धन बड़ा आ होता है रा, तो री है ये, री की मात्रा है, धन बड़ा तो होता है रा, ठीक। और ये है क्या, त्रा भाई, जब मिलकर बनेगा तो री लगा है, मिलकर बनेगा तो हो जाएगा त्रा, ये त्रा, ये और ये सेम है, सेम है, ऐसे इसको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने ये अत्यधिक अत्याचार और ये स्वागत अन्वेषण, ये बहुत पूछा गया है, अन्वेषण बहुत पूछा गया, और ये मात्राज्ञा, ये सारे उदाहरण बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे देखते हैं, ये तो हमारी संधि हो गई यहां, ठीक है। जो अयादि संधि है मैंने भी बताया, देखो छोटा ए और आ मिलकर अय होता है, देखो मिला के पढ़ो, अय अय हो गया। अब संयन को हमें तोड़ना है, संयन को तोड़ना है तो हमें ए और आ में तोड़ेंगे, ठीक। देखो संयन को ये संयन जैसे लिखा है, ठीक, इसको हम ए और आ में तोड़ेंगे, तो तोड़ दें, देखो से मतलब एक ही मात्रा निकल रही, धन, यन को अन लिख दे भाई, तोड़ना हमको आ में है ना, तो हमको यहां पर आ लाना चाहिए, तो आ हो गया, क्या हो गया, आय, वही आय आया है, तो से धन अन सयन। अब हमने भी क्या बताया था, हमने कहा था सयन, अब यहां पे कोई बड़ा रहा है, देखो सा लिखा है, अगर जो बड़ा होता तो दो मात्राएं होती, अब एको मात्रा नहीं है तो एक मात्रा लगेगी, वही लगी है, यहां पे आ जाए, ठीक है, उससे निश्चिंत रहे। ए धन आ आए, अब देखो ए धन आ क्या हुआ, आए, फिर से इसको समझ लो नहीं तो कंफ्यूजन होगी, फिर से मैं फिर से समझा रहा हूं, ने धन अन होता है नयन, ठीक। अब देखो ये है हमारा ए, एक मात्रा है तो ए होगा, अगर दो मात्रा होती ठीक है तो होता ए, ठीक, एक मात्रा है तो ए धन आ क्या होगा, आए आए। अब हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये मात्रा सिर्फ आपको हटानी है, ये मात्रा क्या हो गया, ए लगाना है, इसमें ए लगाना है, तो ना के साथ ए लगाओ, नए अन, बस यही दोनों में है। आप देखो अभी हमने क्या बताया था, यहां पे दो मात्रा है, यहां पे देखो, यहां पर देखो नायक, तो देखो एक मात्रा बढ़ गई, अगर जो होता नयक तो होता नेधन अक, क्यों, क्योंकि यहां पे डंडा नहीं तो एक मात्रा, यहां पर डंडा है तो दो मात्रा, अभी हमने बताया था सेम गायक, तो अब देखो डंडा है तो दो मात्रा, डंडा है तो दो मात्रा, अगर डंडा ना होता, अगर लिखा होता गयन गयन, तो ये किसमें तोड़ता, किसमें टूटता, जब मात्रा नहीं है तो एक में, गैर धन अन टूटता भाई, मात्रा नहीं तो एक में टूटेगा, और जब इधर मात्रा होगी तो दो मात्राओं में टूटा हो टूटेगा, अभी हमने बताया था। अब देखो क्या हमने बताया था, भवन, इधर कोई मात्रा है नहीं है तो किसमें टूटेगा, एक में तोड़ दो, बहुत दो, यही यही है सेम, ठीक। अब इसमें देखो एक मात्रा है बड़ा का, देखो दो में टूट गया पौधन, बड़ा का मात्रा है दो में टूट गया पौधन, ये इतना था, ठीक है, अयादि संधि और यण संधि। फिर मैं कह रहा हूं इसमें मैंने क्या समझाया, इसमें हमने समझाया पवन और पावन, एको मात्रा नहीं, एक मात्रा बड़ा डंडा कोई नहीं है तो ये ओ में टूटेगा, ओ से ओखली में टूटेगा, जब एक मात्रा नहीं है कोई मात्रा नहीं है तो ओ में टूटेगा, तो क्या करेंगे, पोधन अन। अब देखो एक मात्रा बढ़ गई, यहां पे कोई मात्रा नहीं, यहां पर मात्रा आ गई तो किसमें टूटेगा, पौ, दो मात्रा में टूट जाएगा, यही सारा है इसका खेल, ठीक। और इसमें आपको आधा मात्रा मिलेगा जैसा कि मिला है, और जिसपे मात्रा होगा वो आधा अक्षर हो जाएगा,
हमने बना बना के दिखाया है, इसको आप रफ में करना है। ठीक, ये हमारा रहा है दो संधियां, अयाद संधि और यण संधि। अब एक वीडियो में खत्म करूंगा स्वर व्यंजन संधि और एक में विसर्ग संधि, संधियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद जो है जो छोटे छोटे टॉपिक छूट गए हैं उनको मैं आपको जो है डालूंगा, जिससे कि आप तैयारी करते रहें, वीडियो जरूर देखते रहना। और एक चीज और, हाँ, जो देखो हम अपना प्रचार प्रसार तो कर नहीं रहे किसी तरह, मैं सीधे YouTube पे चलाता हूँ, ना Facebook, ना किसी को कोई आईडी नहीं दिया हूँ। हमारा देखो मकसद क्या है कि जो बच्चे दिहात साइड के हैं, आप देखो मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आप में एक बार थैंक्स बोल सकते हैं। आप हमें थैंक्स मत बोलिए, एक काम हमारा कर दीजिए, आप वीडियो देख रहे हैं जो हमारा, आप दूसरों को पहुँचाइए। जो बच्चे यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, जो दिहात साइड के बच्चे हैं, आप उनको पहुँचाइए कि वो हमारा वीडियो देख सकें, जिससे वो जो है तैयारी कर सके, बस वही मेरे लिए थैंक्स होगा। ठीक है, समझ गए ना? तो यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट थी, आप बराबर देखिए वीडियो, और हमें विश्वास है आप एक बार देखेंगे तो समझ में आएगा, और इससे बाहर से आएगा नहीं, मैं पहले से कह रहा हूँ और बराबर कहता चले आ रहा हूँ। ठीक है, ओके, धन्यवाद।